ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्णा आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा तो अब सातवें श्लोक से आगे बढ़ते हैं।
सत्त्वं रजः तमः इति प्रकृतेः न आत्मनौका न तेषां पदराजन् ह्रास उल्लास एव मेरे साथ पढ़िए सत्वम रजह तमह इति तमह इति प्रकृते न आत्मनो गुणा आत्मनो गुणः तेषां युग पद राजन नोति ह्रास उल्लास एव वा राजयुल्लाशैव शब्दार्थ है सत्वम सदोगुण रज रजोगुण तम तमोगुण इति इस प्रकार प्रकृति भौतिक प्रकृति के न नहीं आत्मना आत्मा के गुणा गुण ना नहीं ते उनके युगपद एक साथ राजन हे राजा रास कमी उल्लास प्रधानता एवं निश्चय ही वा अथवा मेरे साथ पढ़िए हे राजा परीक्षित ही राजा राजा परीक्षित 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 सत्वरजतम सत्व रजतम ये तीनों भौतिक गुण ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है भौतिक जगत से संबंधित हाँ ये तीनों गुण भौतिक जगत से जुड़े हैं अतः ये भगवान को छू तक नहीं पाते भगवान को छू तक नहीं पाते हाँ जो गड़बड़ होती है तीन गुणों से होती है तो ये तीनों गुण एक साथ ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घट कर कार्य बढ़ या घटकर नहीं कर सकते। हाँ कार्य नहीं कर नहीं कर सकते जैसे आप समझिए सतोगुण ऊपर रजो भी ऊपर तमो भी ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्राणी में आप सोचिए रजोगुण अगर सतोगुण ऊपर है तो रजो तम नीचे होंगे रजो ऊपर है तो सतो और तम नीचे होंगे ऐसा एक साथ ऊपर एक साथ नीचे ऐसा नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज आप समझा रहे हैं उनके प्रश्न के बारे में तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य भगवान की मूल स्थिति संभाव की है। वे सत्तो रजो व तमोगुण से तनिक भी प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे भौतिक गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर सकते। अतएव भगवान को परम ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर परमा कृष्ण। वे परम नियंता हैं। वे भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं। देवी ह्योषाम गुणमयी मम माया मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते। प्रकृति अर्थात भगवान के आदेश पर कार्य करती है तो फिर वे प्रकृति के गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं। वे प्राकृतिक गुणों से प्रभावित कैसे हो सकते हैं। अतएव भगवान द्वारा पक्षपात किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण प्रभु जी। पक्षपात वहां होता है जहां भौतिक गुण कार्य। प्रश्न क्या था बहुत अच्छा प्रश्न था परीक्षित महाराज का कि पक्षपात लगता है ये बहुत एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपसे पाना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान कभी देवताओं को फेवर करते हैं असुरों के लिए अन्याय करते हैं ऐसा लगता है बहुत जगह आपको लगता है ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने महाभारत में देखा बहुत लोग वही कहते हैं क्या कहते हैं कर्ण के लिए अन्याय हुआ भगवान ने ये नहीं देखा देखा भगवान अन्याय कर ही नहीं सकते। अन्याय कौन करता है जो तीनों गुणों से बद्ध है भौतिक जगत में भगवान तो तीनों गुणों से गुणातीत है। भगवान की तो आप बात छोड़ दीजिए भगवान का भक्त जो गुणातीत है जिसमें तीन गुणों को जो लांघ चुका है वो भी किसी के लिए ऐसा कर ही नहीं सकता वो समदर्शी हो जाता। तो भगवान समदर्शी है तो ये छू ही नहीं सकता तो भगवान को ये गुण छू नहीं सकते तो
तो भगवान ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं, पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता, ये कह रहे हैं। अब समझने की बात है, जैसे मैं आपको कह रहा था पहले मुझे भी लगता था कि कर्ण के लिए अन्याय हुआ। उसके बाद आठवां स्कंध में जाएंगे हम, आपको लगेगा बलि महाराज के लिए अन्याय हुआ। नहीं, भगवान अन्याय कर ही नहीं सकते क्योंकि भगवान गुणातीत है। ये अभी इसका आपके एक एक प्रश्न के उत्तर और अनुभूति होती है। कैसे होती है? भक्ति करने से। भक्ति में आप अगर तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर होने लगती हैं। अभी क्या है, हमारा मन भौतिक चीजों से भरा हुआ, हमको यही लगता है ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये कैसे, हम क्या है, तीन गुणों से बंधे हुए हैं, उसी हिसाब से हमारा आंकलन होता है। हम ये सोचते हैं ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। अच्छा बुरा क्या है इसका ज्ञान नहीं, क्यों क्यों ज्ञान नहीं है? भौतिक में, हाँ भौतिक जगत में तो हमको पता है ये अच्छा है ये बुरा है, अच्छा है हमारे हित का है, बुरा है हमारे हित का नहीं है, बहुत सरल है। भौतिक चीज में आप यही कहते हैं ना, ये आदमी अच्छा है, क्यों? वो आपको अच्छा कहता है इसलिए अच्छा, वो आदमी आपको बुरा कहता तो वो अच्छा आप कभी कहेंगे नहीं। ये हमारे हमारे में ये गुणों के, प्रकृति के तीन गुणों का ये असर होता, तो ये कह रहे। जय काले तु सत्वस्य देवर्षेन रजसो असुरान तमसो यक्ष रक्षांसि तत्काल अनुगुणो अभजत। मेरे साथ, जय काले तु सत्वस्य, जय काले तु सत्वस्य देवर्षेन या देवर्षेन रजसो असुरान असुरान तमसो यक्ष रक्षांसि तत्काल अनुगुणो अभजत। शब्दार्थ है जय काले प्रसिद्ध के समय में तू निसंदेह सत्वस्य सतो गुण का देव देवताओं ऋषि तथा ऋषियों को, रजोगुण का असुरान असुरों को, तमस तमोगुण का यक्ष रक्षांसि यक्षों तथा राक्षसों को तत्काल अनुगुण विशेष अवसर के अनुकूल अभजत अपना है। मेरे साथ पढ़िए, जब सतोगुण प्रदान होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर सम उन्नति करते हैं, जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं, एवं प्रेरित किए जाते हैं। हाँ, कब? जब वो सतोगुण प्रदान है। इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुरगण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं, भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। क्या मतलब है? प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा अत्री माता जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते,
बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के वशीभूत रहता है और भौतिक प्रकृति के पीछे श्री भगवान का हाथ रहता है, किंतु किसी की विजय तथा हानि सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण के फल है, श्री भगवान के पक्षपात का फल नहीं है। श्री जीव गोस्वामी श्री भगवत संदर्भ में स्पष्ट करते हैं, सत्वादयो न शांति से यत्रो च प्रकृतः गुणः सशुद्धो सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्य प्रसीदतु लादिनी सन्धिनी संवित् तय्येका सर्वसन्धितो लाद्युतापकरी मिश्रा त्वयिनो गुणवर्जिते। श्री भगवत संदर्भ के इस कथन के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव भौतिक गुणों से सदैव परे रहते हैं और इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। यही गुण जीव में भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि वह प्रकृति द्वारा बद्ध है, अतएव श्री भगवान की लादिनी शक्ति भी बद्ध जीव के लिए कष्टकारक होते हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीव द्वारा भोगे गए सुख के साथ साथ अनेक कष्ट आते हैं। उदाहरणार्थ हमने दो महायुद्ध देखे हैं जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा संचालित थे और इसमें दोनों के पक्ष वास्तव में विनष्ट हो गए। जर्मन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छोड़ा था जिससे कि वे विनष्ट हो जाए, किंतु परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। भले ही कागज पर ही क्यों ना हो, मित्र राष्ट्र विजयी तो हुए किंतु वस्तु तो उनमें से कोई विजयी नहीं हुआ। अतः हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के विविध गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कर्म करता है और जब विविध गुण प्रधान हो जाते हैं तो देवता या असुर विविध गुणों के प्रभाव से विजयी प्रतीत होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने शकुन कर्मों का फल भोगता है। इसकी पुष्टि श्रीमद भगवद गीता 14.11-13 में भी हुई है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशाय उपजायते ज्ञानं यद तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वं मित्तुता लोभो प्रवृत्ति रारंभक कर्मणाम समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विविद्धे भरतर्षभ अप्रकाशोपवित्तिश्च प्रमादो मोहयेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे गुरु नंदन। सत्गुण के प्राकट्य का अनुभव तब होता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा आलोकित हो जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, जब रजगुण में वृद्धि होते हैं तो अत्यधिक आसक्ति अदम्य इच्छा लालसा अथवा उद्यम के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हे गुरु नंदन, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अज्ञान उन्मत्तता तथा मोह जड़ता तथा अंधकार प्रकट होते हैं। प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं, किंतु ये निष्पक्ष है। ये लाभ तथा हानि का निरीक्षण करते हैं किंतु उसमें सहभागी नहीं होते। भौतिक प्रकृति के गुण एक साथ कार्यशील नहीं होते। इन गुणों की अनन्य क्रियाएं ऋतु परिवर्तन की भांति है। कभी रजगुण में वृद्धि होती है तो कभी तमोगुण में और कभी कभी सत्वगुण में। सामान्य रूप से देवताओं में सत्वगुण पाया जाता है, अतएव जब असुर तथा देवता युद्ध करते हैं तो देवताओं की विजय होती है क्योंकि उनमें सत्वगुण का प्राधान्य रहता है, किंतु ये श्री भगवान का पक्षपात नहीं है। हरे कृष्ण। जब देवता गण जी जाते हैं सत्वगुण बताया है तो ये उनके भगवान का हाथ नहीं होता, लेकिन ये उनके गुणों के हिसाब से होता है, ये बता रहे हैं। हाँ, गुणों के होते हुए भी आपने देखा वृतासुर को नहीं हरा पाए, हिरण्यकश्यप को नहीं हरा पाए। ये कुछ विशेष चीजें हैं जहां पर आपको समझना होगा।
ये तो जो गुण बताए देवताओं में तो वो सतोगुण प्रधान है, लेकिन आप जानते हैं इंद्र कई बार रजोगुण में चला जाता है, रजोगुण में, क्योंकि इंद्र को अपनी कुर्सी बचानी होती है। ये उसके कुर्सी बचाने का काम भगवान का नहीं है, भगवान ने उसको दे दिया तो स्वर्ग का राजा है, तो वो स्वर्ग को भी देखता है, भूमंडल को भी देखता है, अधोलोक को भी देखता है। ये है स्वर्ग का राजा, लेकिन स्वर्ग का राजा होने से उसका हाथ सभी जगह होता है। तो और उसकी उम्र जैसे मैंने आपको बताया था मनु के बराबर होती है, 30 या 31 करोड़ साल का उसका टेनवर होता है इंद्र का। तो वो बहुत उत्पाती है, बहुत जगह वो रजोगुण में चला जाता है, बहुतों की तपस्या भंग करने में उसका हाथ होता है। कोई आपने देखा पृथु महाराज को तंग किया उसने उसने विश्वामित्र को तंग किया, सबको उसने जहां देखा कोई बहुत तपस्या में लग गया उसको डर लगता है कि मेरी कुर्सी न छिन जाए, इस वजह से वो रजोगुण में भी जाता है। लेकिन अधिकतर ये चीज अगर उसका उसका हित अगर नहीं कोई चैलेंज कर रहा है तो वो हमेशा सत्वगुण में रहते हैं अधिकतर, तो उनकी विजय होती है ये प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, हिरण्यकश्यपु के टाइम पर वो सत्वगुण होते हुए हिरण कश्यपु से नहीं जीत सकता था, कितना बलवान था, ये एक्सेप्शन है। क्यों? हिरण कश्यपु कौन है? जय जय विजय जो दो थे भगवान के, तो उनसे कैसे जीत सकता है, ये एक्सेप्शन है। इसी तरह वृत्तासुर, वृत्तासुर जो चित्रकेतु वृत्तासुर बने, वहां उनको वैकुंठ जाना था, तो उनसे कैसे जीत सकता है, तो भगवान ने तरीका बताया। तरीका बताया तो पक्षपात क्या नहीं, क्यों? क्योंकि वृत्तासुर को भगवान वैकुंठ जल्दी लाना चाहते थे, तो वृत्तासुर के फेवर में हो गया, इंद्र के भी फेवर में हो गया, दोनों का भला हो गया, ऐसा पक्षपात कतई नहीं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ज्योति आदि इव आभाति संगात संगाता न विभिचते बिंदत विदंती आत्मानं आत्मस्थम मथित्वा कवयो अंततः। मेरे साथ पढ़िए, ज्योति आदि इव आभाति, ज्योतिरादि ज्योतिरादि संगाता न विभिचते संघातन विदंती विदन्ति आत्मानं आत्मस्थम आत्मस्थम मथित्वा कवयो अंततः। शब्दार्थ शब्दार्थ है ज्योति अग्नि आदि ही तथा अन्य तत्व एवं सदृश आभाति प्रतिभूति है संघातान संघातान या संघातान दोनों पढ़ सकते हैं, देवता तथा अन्य के शरीर से न नहीं विविचते पहचाने जाते हैं, बिंदति अनुभव करते हैं आत्मानं परमात्मा को, आत्मस्तम हृदय में स्थित, मथित्वा बिलक करके कवय दक्ष चिंतक अंततः भीतर। मेरे साथ पढ़िए, सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं जीव के हृदय में स्थित रहती है और एक कुशल चिंतक ही और एक अनुभव कर सकता कुशल है, चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि ही अनुभव कर सकता है कि वे अधिक या न्यून मात्रा में वे अधिक या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित हैं, कैसे वहां वहां उपस्थित उपस्थित हैं, जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि है इस प्रकार काष्ठ में अग्नि जल पात्र में जल जल पात्र में जल
या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव भी जीव की उसी प्रकार जीव भी भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि ये समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता, वह जीव है या देवता। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस पर उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है, उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। ये देखा जा सकता है, ये कह रहे हैं व्यापार सही, ये अनुभव आप भी लगा सकते हैं। अब ये है कृपा, आप देखते हैं किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है बहुत ऐश्वर्य की वजह से, वो कृपा ज्यादा है। दूसरे को आप देखते हैं एक भक्ति में रत है और उसका परिवार भी भक्ति में रत है, तो वो ज्यादा भाग्यशाली है, ये ज्यादा भाग्यशाली, ये आपके अनुभव करने की बात है। पर ये माता जी, हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा भगवद गीता 10.41 में भगवान कहते हैं, यद्यद् विभूति मत्सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तद्तद्वावगच्छम् त्वम् ममा तेजोर्ष संभवम्। यह जान लो कि सारी सुंदर यशस्वी तथा बलशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग से उत्पन्न होती हैं। हमें यह व्यवहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उन्हीं कार्यों को और यहाँ तक कि ऐसे कार्यों को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं कर पाता। अतः भगवान ने किसी भक्त का कितना पक्ष समर्थन किया है यह भक्त द्वारा संपन्न कार्यों से ही आंका जा सकता है। भगवद गीता 10.10 में भगवान यह भी कहते हैं, तेषा सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यह अत्यंत व्यवहारिक है। शिक्षक द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब वह उन शिक्षाओं को अधिकाधिक ग्रहण करने में समर्थ हो, अन्यथा शिक्षक द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी वह अपनी विद्या में कोई प्रगति नहीं कर पाता। ऐसे में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, तब यह सूचित होता है कि कृष्ण हर एक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मनुष्य को उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए। यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्ति में कार्यकलाप करता है तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि भगवान कृष्ण इस भक्त पर अधिक कृपावान है। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भगवान ने भक्त की उन्नत स्थिति के कारण ही उस पर कृपा की है। ऐसे मूर्ख ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्यों का न्यून आकलन करने का प्रयास करते हैं। यह वैष्णवता नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वैष्णव को निर्मत्सर कहा गया है। वैष्णव जन ना तो अन्य वैष्णवों से कभी ईर्ष्या करते हैं ना ही अन्य किसी से, इसीलिए वे निर्मत सराणाम सताम कहलाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता हमें बतलाती है, मनुष्य यह समझ सकता है कि वह किस तरह सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण से संतृप्त होता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से अग्नि सत्वगुण की द्योतक है।
हम अग्नि के परिमाण से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की संरचना समझ सकते हैं। इसी प्रकार जल रजोगुण का द्योतक है। हमारी शुद्र त्वचा में तथा विशाल अटलांटिक सागर दोनों ही में जल है, और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। आकाश तमोगुण का द्योतक है। आकाश एक छोटे से घड़े में भी है और अंतरिक्ष में भी है। इसी प्रकार आकलन न्याय द्वारा सत्व रजो तथा तमोगुण की मात्रा के अनुसार यह देखा जा सकता है कि कौन देवता है, कौन असुर तथा कौन यक्ष या राक्षस है। केवल देखकर कोई व्यक्ति देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता, अपितु एक विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यकलापों से ही उसे समझ पाता है। पद्म पुराण में एक सामान्य परिभाषा दी गई है, विष्णु भक्ता स्मृतो देवा आसुरस आसुरस तत् तत् विप्रयः विप्रयः। विष्णु का भक्त देवता होता है, जबकि असुर या यक्ष इसका ठीक विपरीत होता है। असुर भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता, अपितु अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वह देवताओं, भूतों, प्रेतों इत्यादि का भक्त होता है। इस प्रकार देवता, राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके कार्यकलापों से किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्मानम शब्द का अर्थ परमात्मानम है। परमात्मा सबो के अंतःकरण में स्थित है, अंततः। इसकी पुष्टि भगवद गीता 18.61 में हुई है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर हर एक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देशन करते हैं। भगवद गीता के उपदेश सबों के लिए खुले हुए हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें ठीक से समझते हैं, जबकि कुछ लोग इतने अनुचित ढंग से समझते हैं कि वे कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कर पाते, यद्यपि वे कृष्ण संबंधी पुस्तक पढ़ते होते हैं। यद्यपि गीता कहती है श्री भगवानोवाच, अर्थात कृष्ण ने कहा, किंतु वे श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। यह उनका दुर्भाग्य या उनकी अयोग्यता है जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन्हीं गुणों के कारण वे भगवान श्री कृष्ण को समझ तक नहीं पाते, जबकि अर्जुन जैसा प्रगत भक्त उन्हें समझता है और यह कहकर उनका गुणगान करता है, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप पर ब्रह्म है, परम धाम तथा परम पवित्र करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण सबों के लिए प्रकट हैं, किंतु समझने की योग्यता होना आवश्यक है। बाहरी लक्षणों के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता कि भगवान की कृपा किस पर है और किस पर नहीं। मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का पक्षपात नहीं है, अपितु उन्हें समझ पाने की योग्यता के प्रति उनकी अनुक्रिया है। मनुष्य की ग्रहणशीलता के अनुसार चाहे वे देवता हो, असुर हो अथवा यक्ष या राक्षस, भगवान श्री कृष्ण के गुण उसी अनुपात से प्रकट होते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के इस अनुपातिक प्रदर्शन यानी प्राकट्य को भगवान श्री कृष्ण का पक्षपात समझते हैं, परंतु वास्तव में यह बात ऐसी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबों पर सब भाव रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं, रात्रि में यहाँ तक कि अंधेरे में भी चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष दिखता है। सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान है, किंतु बादल से आच्छादित होने पर ये ज्योति पिंड नहीं दिखते। इसी प्रकार ज्यो ज्यो सत्व गुण में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों भक्ति के कारण उसका तेज अधिकाधिक दिखता है, किंतु जो जितना ही रजो तथा तमो गुण से आच्छादित होता है उसका तेज उतना ही कम दृष्टि को गोचर होता है। किसी के गुणों का प्राकट्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पक्षपात पर नहीं निर्भर करता, अपितु विभिन्न आवरणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह यह पता चल सकता है कि कोई सत्व गुण में कितना अग्रसर है और कितना रजो तथा तमो गुण से आवृत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी।
पूरा प्रभुपाद ने पूरा कोशिश किया है कि समझाएं, भगवान किसी के लिए पक्षपात नहीं करते हैं। ये तीन गुणों में कौन सा गुण अधिक है? एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया उन्होंने, कृष्ण भावनामृत है, ये भगवान कृष्ण की भक्ति करना, ये सबके लिए खुला हुआ है। कोई करे भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाए और आप देखते हैं उस पर भगवान की कृपा है, सोचते हैं भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी हो सकती है और अगर हम भक्ति में अग्रसर हों। और अब सवाल ये उठता है, हमारे ऊपर रजोगुण अगर प्रधान है, हम आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि रजोगुण में भक्ति हो ही नहीं सकती। अब भक्ति करूं मैं, फिर रजोगुण मेरे को खींचेगा नीचे, ये इससे क्या फायदा, समय का बर्बाद कर रहे हो। ऐसा रजोगुण तमोगुण यही चीज करते हैं। तो ये है, हमको हम भले ही हमारा प्रारब्ध हम रजोगुण प्रधान है, तो भी भक्ति करके हम रजोगुण को कम सदोगुण को बढ़ा सकते। ये अगर हमको किया, ये अनुभूति हमको हुई, तो हम सतोगुण में भगवान को समझ सकते हैं और सतोगुण में हम जो भी है हम हमेशा सुखी हैं। जो व्यक्ति रजोगुण में है वो सुखी हो ही नहीं सकता, रोता ही रहेगा, और तमोगुण वाला तो पागल ही है, उसके तो बात ही छोड़ दी। रजोगुण में आदमी रोता रहता है, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया। सतोगुण में व्यक्ति अपने कष्टों को नहीं, भगवान के कार्यकलापों की बात करता है। सतोगुण में यह है, और ये सतोगुण की बात है, सतोगुण इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी भक्ति में सतोगुण भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भक्त को सतोगुण को भी लागना होता है, क्योंकि सतोगुण में रहते हुए आदमी को घमंड होने लगता है। सतोगुणी व्यक्ति की हर एक व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनके पास राय लेने के लिए जाते हैं, ऐसा हो रहा है क्या करें, तो सतोगुणी व्यक्ति को लगता है हाँ मैं वास्तव में अच्छा हूं, ये उसमें अहंकार आने लगता है, और अहंकार आने के कारण उसका पतन हो सकता है। दूसरा, कभी भी सतोगुणी व्यक्ति लालची नहीं होता, सतोगुणी व्यक्ति लोभी नहीं होता है, सतोगुणी व्यक्ति में काम कम होता है, क्रोध कम होता है, शांत होता है, ग्रंथों का ज्ञान होता है। तो ये होते हुए भी कभी कभी लालच ऐसा आ गया कि आपको बहुत भौतिक फायदा दिख रहा है, तो वह रजोगुण में खिसक सकता है, फिसल सकता है। तो इस वजह से खतरा रहता है कि सतोगुण में भी व्यक्ति कुछ नीचे रजोगुण में जा सकता है, कभी भी कोई गारंटी नहीं है। रजोगुण ऐसा नहीं है कि आप सतोगुण ऐसा नहीं कि आप रजोगुण में नहीं जा सकते, जब मर्जी आप चले जाए, आपकी है, आपको कोई ऐसा दिखता है अरे मेरे को तो इतना फायदा हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत काम कर लू मेरा इतना फायदा हो जाएगा, बहुत एक तो ऐसा कर बैठता है, बहुत करते हैं, दिखते भी हैं आपको। तो इसलिए जब भक्त को ये पता है मुझे सतोगुण भी को भी मुझे लांगना है, तो किसमें जाना चाहिए, शुद्ध सत्व, या उसको वासुदेव अवस्था कहते हैं, जहां से फिर पतन नहीं होता, वो अच्युत हो जाता है, उसका पतन नहीं हो सकता। यदा शिष्युः पुर आत्मनः परो रजः सुजति एष पृथक् स्वमाया सत्वं विचित्रासु रिरिंसुरीश्वरः सहिष्यमानः तम् ईरयति असौ। मेरे साथ पढ़िए, यदा शिष्युः पुर आत्मनः परो रजः सजति एष पृथक् स्वमाया रजः सजति एष पृथक् स्वमाया
सत्वं विचित्रासुरीश्वर सत्वं विचित्रासुरीश्वर जयस्यमानः तं ईरयति असौ जयस्यमानः तं ईरयति असौ। शब्दार्थ है यदा जब शिष्य करने को इच्छुक पुरः भौतिक शरीर आत्मनः जीवों के लिए परः भगवान रजः रजोगुण सुजति प्रकट करता है ऐसा वह पृथक अलग मुख्यतया स्वमाया अपनी सृजन शक्ति के द्वारा सत्वम सतोगुण विचित्रास विभिन्न प्रकार के शरीरों में रिरंगसुः कर्म करने का इच्छुक ईश्वर भगवान सहिष्यमाण समाप्त करने के निकट तम तमोगुण ईर्यति प्रकट करता है असव वह परमेश्वर। मेरे साथ पढ़िए, जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं, जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं तो वे प्रकृति के सारे गुणों तत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण को पुनर्जीवित करते हैं तब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं जिनमें से सतोगुणों का उपयोग पालन के लिए जो उनका उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है तात्पर्य सुनिए तात्पर्य। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण द्वारा होता है लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, जैसा कि भगवान भगवत गीता 9.10 में कहते हैं, मध्या क्षीण प्रकृति शून्यते सचराचरम ये पुनानी कौन्ते जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अंतर्गत कार्य कर रही है और ये समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियमानुसार इस जगत का बारंबार सृजन तथा विनाश होता है। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तीन गुणों की क्रियाशीलता क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, किंतु इन तीनों गुणों से भी ऊपर उनका अध्यक्ष परमेश्वर होता है। प्रकृति यंत्रारूणानि मायया द्वारा जीवों को प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शरीरों में या तो सत्वगुण प्रधान होता है अथवा रजोगुण या तमोगुण। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा भगवान के निर्देशानुसार होती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है यदा शिष्यु पुर आत्मनः परः, जो सूचित करता है कि ये शरीर निश्चित रूप से भगवान द्वारा सचित है। कर्मणा देव नित्रेण, जीव के कर्मानुसार भगवान के निर्देशन में शरीर निर्मित किया जाता है। ये शरीर सतोगुणी है या रजोगुणी अथवा तमोगुणी, ये सब बहिरंगा शक्ति के द्वारा पृथक सो माया
भगवान के निर्देशन में संपन्न किया जाता है। इस प्रकार भगवान अर्थात ईश्वर विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा रूप में निर्देश देते हैं और पुनः शरीर को विनष्ट करने के लिए वे तमोगुण का उपयोग करते हैं। इस तरह से जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण क्योंकि सूक्ष्म शरीर हर एक का जो ले जाता है उसके हिसाब से वो रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है या सतोगुण प्रधान है, उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। एक का शरीर बहुत अच्छा, एक का बहुत बुरा, ये होता है क्योंकि ये हमारे जो गुण हम लेके आए उस हिसाब से ये बनता है, ये बता रहे हैं। तो इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, भगवान लेकिन नियम भगवान का है बिल्कुल। उसमें जैसे होता है ना, आप कहते हैं करीब करीब ठीक है, 99% ठीक है, भगवान का 100% होता है, भगवान का 1.001% भी इधर उधर नहीं हो सकता। उनका कानून इतना परफेक्ट है कि कोई उसी हिसाब से हमको मिलता है, जो हमने बोया है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन तरीका बताया गया कि और तरक्की आप कैसे कर सकते हैं। कालम चरंतम सुजति सुजतीश आश्रयम प्रधान पुभ्याम धरदेव सत्यकृत। मेरे साथ कालम चरंतम सुजतीश आश्रयम प्रधान पुभ्याम पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत सत्यकृत। शब्दार्थ है कालम समय गतिशील उत्पन्न करता है ईश भगवान आश्रय शरण प्रधान भौतिक शक्ति के लिए पुंभ्याम तथा जीव के द्वारा नरदेव हे मनुष्यों के शासक सत्य असली कृत सृष्टा। मेरे साथ पढ़िए हे महान राजा। हे महान राजा, हे परीक्षित महाराज को भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टा है, काल की सृष्टि करते हैं, काल की सृष्टि करते हैं। हाँ, ये सृष्टि भगवान की बहुत बहुत जबरदस्त है, जिसे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सकें, परस्पर क्रिया कर सके। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होता है, न तो कभी काल के अधीन होता है, नहीं भौतिक शक्ति के अधीन होता है, न ही भौतिक शक्ति के अधीन होता है। हाँ, क्योंकि इसके सृष्टि भगवान करते हैं, तो भगवान का उसके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसी तरह भौतिक शक्ति यानी माया भगवान के अधीन होती है दोनों। तो दोनों चीजें आप देखें, आध्यात्मिक जगत में दोनों चीज नहीं होती, न वहां माया होती न वहां काल होता है। काल हमारे होता है ना, आज काल आज है, कल एक दिन गया हमारा जीवन का, कल सुबह हम उठेंगे या आज उठे, कल जो हमारा जीवन था आज एक दिन कम हो गया। काल काम करता है, वैकुंठ में काल काम नहीं करता, वहां काल होता ही नहीं। उसी तरह से माया ये जड़ प्रकृति जो है वहां नहीं होती, क्योंकि वो भगवान इसको ये छू नहीं पाते हैं। ये काल और माया, भगवान ये जड़ प्रकृति भगवान के अधीन है, भगवान इसको उत्पन्न करते हैं हम लोगों के। कितना अच्छा लगता है हम लोगों को, यहाँ देखिए कितना अच्छा। अगर कोई हमको कहे चलो लाइन में लग जाओ, ये बैकुंठ को जा रहे हैं, हम कहेंगे नहीं मेरे तो अभी घर में कुछ काम पड़ा हुआ है, मेरे मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं वो सुखाने हैं अभी नहीं। ये
ऐसे है, इतनी इतनी आसक्ति हमारी इस भौतिक जगत से। अगर आपको ये भी कहा जाए इधर से रास्ता है जा रहे हैं सब, नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा है किसकी वजह से, माया की वजह से। तो यह हमारे लिए गलत नहीं है, जो यहाँ रहते हैं भौतिक जगत में उनके लिए माया जरूरी है, लेकिन यहाँ कष्ट बहुत है। कष्ट क्या है, सबसे बड़ा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा है यहाँ, रोग है, और कष्ट तो आप यहाँ भुगतते हैं, कभी पैर टूट जाता है, कभी हाथ कट जाता है, और आपको ये कष्ट यहाँ भोगने पड़ते हैं जो वैकुंठ में नहीं है। तो भी भगवान ने आपके लिए रास्ता बना रखा है कि आ जाओ, घर आओ, वापिस आओ, लेकिन ये चीज लेके, भौतिक चीज लेकर के नहीं आ सकते। आप कहें मैं माया लेके जाऊं, नहीं जा सकते। ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, किसी को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान काल पर निर्भर हैं। वे वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे भौतिक प्रकृति कार्य करती है और जिससे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के अधीन आ जाता है। बद्ध जीव तथा प्रकृति दोनों ही काल के अधीन कर्म करते हैं, किंतु श्री भगवान काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं के अधीन नहीं है, क्योंकि काल की सृष्टि भगवान ने ही की है। अधिक स्पष्ट करने के लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि सृजन पालन तथा संहार, ये तीनों श्री भगवान की परम इच्छा के अधीन है। श्रीमद् भगवद गीता में 4.7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबके नियंता हैं, अतः वे जब जब प्रकट होते हैं तो भौतिक काल की सीमाओं में बंधे नहीं होते। जन्म कर्म च मे दिव्यम, यानी इस श्लोक में कालम चरंतम सृजति आश्रयम पद सूचित करता है कि चाहे सत्व गुण का प्राधान्य हो या रजोगुण अथवा तमोगुण का, यद्यपि श्री भगवान काल के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान काल के अधीन है। काल उनके अधीन है, क्योंकि वे इसका सृजन एक निश्चित विधि से कार्य करने हेतु करते हैं। वे काल के नियंत्रण में कार्य नहीं करते। भौतिक जगत की सृष्टि तो श्री भगवान की एक लीला मात्र है। हर वस्तु उनके पूर्ण नियंत्रण में रहती है। चूंकि सृष्टि का जन्म तब होता है जब रजोगुण प्रदान होता है, अतएव श्री भगवान रजोगुण को सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक काल की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार वे पालन तथा संहार हेतु आवश्यक कालों का सृजन भी करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक प्रतिपादित करता है कि श्री भगवान काल की सीमाओं के अंदर नहीं है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है, ईश्वर परम कृष्ण, श्री कृष्ण परम नियामक हैं, सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर आनंद पूर्ण तथा आध्यात्मिक है, अनादि ही, वे किसी के भी अधीन नहीं है। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 7.7 में पुष्टि की है, मत्ता परंतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धन के विजेता अर्जुन, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण से श्रेयस्कर हो नहीं हो सकती, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के नियंत्रक तथा सृष्टा हैं। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि यह भौतिक जगत मिथ्या है, अतएव हमें इस मिथ्या सृष्टि की चिंता नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी किंतु यह सत्य नहीं है। यहाँ पर वर्णन किया गया है, सत्यकृत अर्थात सत्यम परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा जो भी उत्पन्न किया जाता है वह मिथ्या नहीं कहा जा सकता। जब सृष्टि का कारण सत्य है, तब कारण का फल किस प्रकार मिथ्या हो सकता है।
सत्यप्रत शब्द का व्यवहार ही यह प्रतिपादित करने हेतु किया गया है कि श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु वास्तविक है, मिथ्या नहीं। भले ही सृष्टि क्षणिक हो किंतु यह मिथ्या नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। तो ये भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, जैसे मायावादी कहते हैं कि ये मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, ये हमारा शरीर मिथ्या नहीं है, ये है लेकिन क्षणिक, क्षण भंगुर। हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, परमानेंट नहीं है, क्षणिक है। ये भौतिक जगत भी क्षणिक है, क्योंकि ये भगवान सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी का कल्प पूरा होता है, फिर सारा कुछ भगवान में चला जाता है, फिर उतने ही जितनी ब्रह्मा जी की का दिन है, कल्प है, उतने ही रात्रि होती है। उसके बाद भगवान ब्रह्मा को कहते हैं जा अब दोबारा सृष्टि कर, फिर सृष्टि होती। तो ये चीज चलता रहता है, तो ये इसको आप मिथ्या नहीं कह सकते, क्षण क्षण भंगुर कह सकते हैं, ये बताया गया है। राजन अपि काल ईशिता सत्वं सुर अनेकम इव एधति अतः तत् तत् प्रत्यनीकान् असुरान् सुरप्रियो रजः तमस्कान् प्रमिणो अति प्रमणोति रजस्तम तमस्कान् प्रमिणोति उरुसर्वा। मेरे साथ पढ़िए, य एष राजन् अपि काल ईशिता। बहुत अच्छा। तत्प्रत्यनीकान् असुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोति उरुस्रवा। शब्दार्थ है यह जो ऐसा यह राजन हे राजा अभी भी काल काल समय ईशिता परमेश्वर सत्वम सतोगुण सुर अनेकम अनेक देवताओं को इव निश्चय ही एधयति पढ़ाता है, अतः अतएव तत् प्रत्यनीकान् उनके प्रति वैर भाव असुरान असुरों को सुरप्रिय देवताओं का मित्र होने से रजह तमस्कान् रजो तथा तमोगुण से अच्छा दे प्रमिणोति नष्ट करता है उरुश्रवा जिसका यश दूर दूर तक फैला है। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, हे राजन, यह काल सत्वगुण को बढ़ाता है, यह काल सत्वगुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, किंतु वे देवताओं पर कृपाल होते हैं, जो अधिकांशतः सतोगुणी होते हैं, तभी तमोगुणी असुरों का विनाश होता है, परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार किसे कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते, उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, अतः वे उरुश्रवा कहलाते हैं, हाँ, जिनका यश दूर दूर तक फैला होता है ऐसा कहलाते हैं। तो स्वतोगुणी पर कृपा अगर होती है भगवान की, ये कहा है ना,
इस तरह यद्यपि परम परमेश्वर परम नियंता हैं, किंतु वे देवताओं पर कृपालु होते हैं का मतलब क्योंकि वे सतोगुणी हैं। अगर कोई देवता सतोगुणी नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, तो ये पक्षपात नहीं है, ये पक्षपात नहीं है, आप सतोगुणी बन जाए। ये तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद का। हरे कृष्ण कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबो के प्रति समभाव रखता हूँ। श्री भगवान कभी पक्षपात नहीं कर सकते, वे सबो के प्रति सदैव समभाव रखते हैं। अतएव जब देवताओं पर कृपा की जाती है और असुरों का वध होता है तो यह पक्षपात नहीं होता, अपितु काल का प्रभाव होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि बिजली का मिस्त्री एक ही विद्युत शक्ति से हीटर तथा कूलर को जोड़ता है। गर्म करने तथा ठंडा करने का कारण मिस्त्री द्वारा इच्छा अनुसार विद्युत शक्ति का समायोजन होता है, परंतु वस्तुतः मिस्त्री को ना तो गर्म अथवा ठंडा करने से और ना ही उससे उत्पन्न सुख या दुख से कोई प्रयोजन रहता है। ऐसी अनेकानेक ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं जिसमें भगवान ने किसी असुर का वध किया किंतु भगवान की कृपा से उसे उच्चतर पद मिल गया। पूतना इसका एक उदाहरण है। पूतना का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था। अहो बकी यम स्तन काल कूटम। वह अपने स्तनों में विष लगाकर कृष्ण को मारने के उद्देश्य से नंद महाराज के घर गई, किंतु जब वह मार डाली गई तो उसे वैसा ही उच्चतम पद प्राप्त हुआ जैसा कि कृष्ण की माता को। कृष्ण इतने दयालु तथा निष्पक्ष हैं कि चूंकि उसने उन्होंने पूतना का स्तन पान किया था, अतएव उन्होंने तुरंत उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। पूतना का इस प्रकार वध करने से भगवान की निष्पक्षता में कोई कमी नहीं आई। वे सबो के मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। अतएव भगवान के चरित्र पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि श्री भगवान परम नियंता के अपने पद को सदा बनाए रखते हैं। भगवान ने पूतना का वध शत्रु के रूप में किया, किंतु उनके परम नियंता होने के कारण उसे उनकी माता जैसे उच्च पद की प्राप्ति हुई। अतएव श्रील मध्व मुनि कहते हैं, काले काल अवश्य अपीशिता आदि कारण सुरानिकम सुरानिकम इव स्थितम सत्वम। सामान्यतया हत्यारे को फांसी दी जाती है और मनु संहिता में तो कहा गया है कि राजा हत्यारे का वध करके उस पर कृपा करता है और इस प्रकार उसे विविध प्रकार के कष्टों से बचा लेता है। अपने पापमय कर्मों के कारण ऐसा हत्यारा राजा की कृपा से मार दिया जाता है। कृष्ण परम न्यायकर्ता के रूप में इसी प्रकार से आचरण करते हैं, क्योंकि वे परम नियंता हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि भगवान सदैव निष्पक्ष रहते हैं और सभी जीवों पर अत्यधिक दयालु हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हत्यारे को फांसी लगी, हत्यारे का भला है उसमें, क्योंकि नहीं तो ये पाप दूसरे जन्म में ले जाएगा और कष्ट भोगेगा, यहीं खत्म हो जाएगा उसका पाप। ये समझा रहे हैं प्रभुपाद। ओम अज्ञान तिम्रान दक्षा ज्ञानाजन सला गया चक्षुर्मिता तस्मय श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाचार्यस्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।